शानदार तरीके से हमारी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ पे हो रहा है और आगे जाके हम इसका एक्सीडेंट करवाएंगे दूसरी ट्रेन से। बहुत ही क्रेजी वीडियो, ट्रैक को यहाँ पे स्विच कर देते हैं ताकि हमारी ट्रेन सीधी चली जाए और यहाँ पे सामने वाली ट्रेन से टकरा जाए। पीछे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरा चेंज करके बताता हूँ। दूर वहाँ पे आप नॉर्थ हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन निकल के जा रही है। शानदार क्रॉसिंग हमें देखने को मिली और ये सामने से आई है जहाँ पे ट्रैक गायब हो जाता है। शानदार तरीके से पैरेलल रेस हमें देखने को मिल रही है दो फ्री ट्रेन के बीच में। देखते हैं हमारी ट्रेन जीत गई है पास वाली ट्रेन, लेकिन हम स्पीड को बढ़ा रहे थे और शानदार स्पीड के साथ। ओ भाई ये देखो पीछे वाले ट्रेन के को, ओ भाई साहब यार क्या गजब तरीके से पूरे कोच नीचे गिर गए। ए माय गॉड ये स्पीड देखिए ऊपर कितनी बढ़। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ आरजी ट्रेन टेक डेमो, जो कि रिसेंटली बीटा वर्जन इसका लॉन्च हुआ था प्ले स्टोर पे। तो आज हम उसी का गेम प्ले करने वाले हैं। इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें अगर आपका गेम लैग कर रहा है आपके डिवाइस में तो आपको कैसे उसे सॉल्व करना है या फिर कैसे इसे खेला जाता है वो सब भी मैंने बताया है। बहुत सारी वीडियो मैं इस पर बना के ला चुका हूँ जिसकी वीडियो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना के रखी अलग से मैंने इस गेम की, तो वो मैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमने फ्री ट्रेन को डिकपल कर लिया है हमारे लोकोमोटिव के साथ और लोकोमोटिव इसे आगे बढ़ा के ले जा रहा है। मैं आपको बता दूं केवल इसमें फ्री ट्रेन ही है, लेकिन हाँ रिसेंटली अब इसके जो अपडेट आएंगे इन फ्यूचर तो काफी अच्छे अच्छे अपडेट इसको हमें देखने को मिलेंगे। ग्राफिक तो आप जानती हैं, ओवरऑल जो ग्राफिक है वो काफी अच्छे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी हैं। यहाँ पे सारी की सारी आपको फ्रेट ट्रेन देखने को मिलेंगी एंड लोकोमोटिव भी केवल इसमें एक ही है और जो प्ले स्टेशन है स्टेशन भी आई थिंक इसमें दो स्टेशन है या तीन स्टेशन है और यहाँ पे डोम्बी वाली है और पता नहीं जो भी हो दादर भी होगा, लेकिन जो भी हो स्टेशन भी इसमें लिमिटेड ही है मुंबई तरफ के। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं ना कि आज हम दो ट्रेनों में एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो ट्रैक है आप देख सकते हैं सामने से इस पे ट्रेन आएगी, लेकिन हमें कैसे भी करके इस वाले ट्रैक पे हमारी ट्रेन को तो लेके जाना ही जाना है। लेकिन उसके लिए हमें जो स्विच वाला होता है ट्रैक स्विच वो देखना होगा कि हम कहाँ से ट्रैक को स्विच करके उस वाले ट्रैक तक पहुँच सकेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें उस ट्रेन को जो हमने आधी ट्रेन आ रही है सामने से इसको आगे ले आते हैं ताकि ये जो स्विच वाला ऑप्शन है इसके आगे निकले आए ये ट्रेन और यहाँ पे हम इसे स्विच कर सकें और सीधे ले जा सकें। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकल जाने देते हैं। हमने थ्रॉटल को बढ़ा दिया है और हमारी ट्रेन ट्रैक स्विच से निकल के आगे जा रही है। ब्रेक 0% करके रखे हैं और पावर हमने 100% दे के रखी है। शानदार तरीके से हमारी फ्रेट ट्रेन ट्रैक स्विचिंग से निकल के जा रही है और यहाँ से अब हम इसे रिवर्स से लेके जाएंगे, लेकिन इसे पूरी तरीके से यहाँ से निकल जाने देते हैं ताकि हम यहाँ पे ट्रैक को स्विच कर सकें और इसे डाइवर्ट कर सकें बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है गाइस, बहुत ही मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं और इस वाले ट्रैक को के पास चलते हैं और अब ग्राफिक देखिए। तो यहाँ पे हमने ट्रैक को स्विच कर दिया, ग्राफिक देखिए गाइस, ग्राफिक के मामले में जो ट्रैक है आप ट्रैक को ही देख लीजिए एक बार क्या गजब है। मैं इसको हाई क्वालिटी के ग्राफिक पे खेल रहा हूँ, आप शैडो वगैरह भी देख सकते हैं ट्रेन की और यहाँ पे आसपास जो घास फूस लगी है सब। और यहाँ सामने से कोई ट्रेन आ रही है डीजल लोकोमोटिव के साथ जो कि यहाँ से निकल के जाएगी। इसी वाले ट्रैक पे हमें लाना है, जिस ट्रैक पे सामने से ट्रेन आ रही है ना, कैसे भी करके इसी ट्रैक पे हमें हमारी ट्रेन को लाना है ताकि जो एक्सीडेंट है वो हम देख सकें। तो यहाँ पे हमें ट्रैक स्विच कहीं ना कहीं जुगाड़ करनी पड़ेगी जहाँ से हम इसको स्विच करके ला सकें। फिलहाल हमने पीछे रिवर्स करना शुरू कर दिया हमारी ट्रेन को, लेकिन यार स्पीड काफ़ी कम है। ओके, तो हमने यहाँ पे 100% करके रखे थे हमारे ब्रेक को, इसलिए वो स्पीड कम थी। 0% हमने हमारे ब्रेक को कर दिया है और यहाँ पे रिलीज कर दिया ब्रेक हमने और यहाँ पे हमारी ट्रेन रिवर्स से जा चुकी है, किसी स्टेशन से निकल के जा रही है। यहाँ पे पैरेलल रेस हमें देखने को मिल रही है दो फ्री ट्रेन के बीच में। तो शानदार तरीके से प्लेटफॉर्म के बीच में से हमारी ट्रेन निकल के जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर ये कौन सा है देखना होगा, प्लेटफॉर्म नंबर अभी कहाँ गया, अभी लिखा ही नहीं है, बोर्ड ही नहीं लगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म के। किसी किसी प्लेटफॉर्म पर हमें हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी बोर्ड नहीं है। सामने से भी यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन ये क्या, हमारी वो ट्रेन जो जा रही थी जीना में से निकल के जा रही है, जो साइड में जीना है ये देखिए इसमें घुस के जा रही है। देखो बिल्कुल यार थोड़ा और इसे दूर करना चाहिए, देखिए ये जो जीना है बिल्कुल ट्रैक के ऊपर है, इसको थोड़ा जो सीढ़ी है सीढ़ी को दूर रखना चाहिए। अगर डेवलपर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई होप वो इसे फिक्स कर दें, थोड़ा साइड में खिसकाना है इसको। तो यहाँ पे ठीक है, बाकी इस पर कोई ध्यान देगा नहीं, मेरा भी ध्यान जो गया है वो गलती से चला गया, गलती नहीं मतलब एकदम से चला गया। तो यहाँ पे शानदार तरीके से स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है हमारी ट्रेन, डोम्बिवली है आई थिंक ये डोम्बिवली स्टेशन है। आगे चलते हैं और यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे ये ट्रैक को, हमें कहीं ना कहीं तो जुगाड़ देखनी कि हमें भैया ट्रैक स्विच कर कहाँ से पाएंगे। यहाँ पे दो ट्रैक हैं, आप देखिए स्विच होके जा रहा है हमारी ये ट्रेन, यहाँ से आएगी और यहाँ पे जो ट्रेन को स्विच करने के लिए यहाँ पे देखिए ट्रैक स्विचर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे स्ट्रेट ले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राफिक देखिए गाइस,
मजा आ जाता बिल्कुल बारीकी से डिटेलिंग के साथ यहाँ पे ग्राफिक को डिजाइन किया गया है इसमें। मतलब ग्राफिक के मामले में मैं इसे मतलब 10 out of 10 बिल्कुल 100% रेटिंग देने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अभी जो अपडेट आएंगे तो उसमें हमें बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन भी देखने को मिलेंगी। आई होप वंदे भारत भी इसमें जल्दी से जल्दी आ जाए, स्टेशन अनाउंसमेंट भी इसमें देखने को मिल जाए, और बाकी ओवरऑल तो बाकी तो ठीक है, जो भी हो अच्छा लगेगा। ठीक है, कपलिंग वगैरह भी इसमें, डी कपलिंग का आई थिंक नहीं है इसमें, लेकिन कपलिंग, हाँ डी कपलिंग भी इसमें, कपलिंग डी कपलिंग भी है, बाकी सब है अच्छा। तो यहाँ पे हमने ट्रेन को रोक दिया है, अब हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमें ट्रेन को लेके कहाँ जाना है। आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि कहीं पे हमें ट्रैक स्विच मिल जाए, अगर ट्रैक स्विच आगे है तो हम उसी वाले ट्रैक पे हमारी ट्रेन को ले जाएंगे और हमारी ट्रेन को डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पे से निकलेगी, आगे जाएगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके और यहाँ पे मिल जाए यार ये स्टेशन कौन सा है, स्टेशन भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे ये स्टेशन है हमारा डोंबिवली, ठीक है, तो ये डोंबिवली है, तो पीछे वाला कौन सा था, वो दादर मादर होगा जो भी हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये है हमारा ओवर ब्रिज और यहाँ पे, अरे यार दिक्कत ये है, इन्होंने केवल सीधे सीधे ट्रैक बिछा दिए, कहीं भी इन्होंने ऐसा नहीं दिया कि आप ट्रैक को स्विच कर सके, ट्रैक स्विच केवल उन्होंने लिमिटेड जगह दिए गए हैं, बाकी आउटर से ट्रेन आ रही है तो आप ट्रैक स्विच कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे अराइवल हो रहा है तो आप ट्रैक स्विच कर सकते हैं, बाकी इन्हें बीच में कहीं भी नहीं दी। लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रैक्स खत्म हो चुके हैं, ये देखिए केवल एक ट्रैक आगे जा रहा है जो कि स्वर्ग में जा रहा है क्या या नर्क में जा रहा है, हम इस पर ट्रेन को लेके आएंगे हमारी और फिर देखेंगे ये स्वर्ग में जा रहा है या नर्क में जा रहा है। बाकी सीधा साधा सिंपल सा फंडा है कि हम यहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं करवा सकते इसे गेम में, क्योंकि हमें ट्रैक स्विच ही नहीं मिला तो हम दूसरे ट्रैक पे जाएंगे कैसे हमारी ट्रेन को लेके, थोड़ा डिसएडवांटेज लगा। बाकी जैसे इंडिया ट्रेन क्रॉसिंग 3D में होता है ना, वहाँ पे हम ट्रैक को चेंज करके दूसरी ट्रेन के सामने सामने ला सकते हैं, वैसा इसमें नहीं है, उसमें एक्सीडेंट करवा सकते हैं, इसमें नहीं करवा सकते। एक्सीडेंट वैसे इसमें होता तो अच्छा रहता, ठीक है, वैसे तो एक्सीडेंट होने से बचना चाहिए, लेकिन एक्सीडेंट करवाने में मजा आता है गेम्स में, नॉट इन रियल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेन आई नहीं यार, हमने वहाँ पे थ्रॉटल को बढ़ा दिया था, अभी तक तो आ जाना चाहिए, रह कहाँ गई यार, पता नहीं कहाँ गायब हो गई हमारी ट्रेन, डोंबी वाली पे भी नहीं आई अभी तक तो। कैमरा चेंज कर लेते हैं, ओके कैमरा चेंज करके हमने हमारी ट्रेन को पकड़ लिया है, यहाँ से ये निकल रही है डोंबी वाली पे, इसका अराइवल हो रहा है डोंबी वाली को, ये क्रॉस करके निकल रही है और यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव बहुत ही पावरफुल है और इसका जो धुआं देखिए अब आगे तरफ जा रहा है, मतलब धुआं भी ऐसा नहीं है तो पीछे पीछे जाए, डिपेंड करता है आपकी ट्रेन आगे जा रही है पीछे, उस हिसाब से वो धुआं आगे पीछे होता है, जो कि अच्छा है, थोड़ा रियल लगता है गेम प्ले करने में। तो यहाँ पे सारा तरीके से डोंबी वाली को हमारी ट्रेन क्रॉस करके निकल रही है और यहाँ पे आप केबिन के अंदर से भी आपको आपके इंजन को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो थ्रॉटल वगैरह दिया उससे भी आप अपनी ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। साइड से कोई सी ट्रेन की क्रॉसिंग हमें देखने को मिल रही है जो कि फ्रेट ट्रेन है, आप धुआं उठता हुआ देख सकते हैं सामने से, ये भी हमारी फ्रेट ट्रेन है, शानदार तरीके से ये सामने से आई है, मजा आ गया बिल्कुल गजब तरीके से। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है गाइस, हम वहां पे पहुंचेंगे जहां पे हम देख के आए थे अभी, जो सिंगल पटरी थी ना वो बिल्कुल स्वर्ग में जा रही थी या फिर नर्क में जा रही थी पता नहीं, वहां पे हमारी ट्रेन जा चुकी है, ये देखिए गाइस बिल्कुल सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी, ओ माय गॉड, ये देखिए नीचे भी नहीं गिर रही यार, ये तो बिना पटरी के ट्रेन हमारी जा रही है, ओ भाई ये देखो, ओ हवा में ही उड़ने लगी, ओ गजब यार, पीछा करके देखते हैं एक बार, देखते हैं कहाँ तक जाएगी, पीछा करने में तो हमें टाइम लग जाता है, टाइम लग जाएगा, एक काम करते हैं कैमरा चेंज कर देते हैं जैसे हम डायरेक्टली ट्रेन के अंदर पहुँच जाएँ, तो कैमरा को चेंज करते हैं ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। ये देखो, ओ भाई ये देखो हमारी ट्रेन नीचे गिरने लगी, ओ ओ ओ ओ भाई एक एक करके सौ, ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पर कितने सारे कोचेस हैं, कितने सारे लोकोमोटिव हैं, अगर आप ध्यान से देखें कितनी जल्दी जल्दी ये चल रहा है, अभी कहाँ गए भाई सब गायब, कैमरा चेंज कर दीजिए एक बार फिर से, कैमरा चेंज करके वापस चलते हैं जहाँ पे हमारा वो गिरा था, वो ये देखो। अच्छा आप एक चीज़ देखिए कॉर्नर में, देखिए स्पीड को देखिए आप, स्पीड कितनी तेज है, राइट टॉप कॉर्नर में आप स्पीड को देखिए कितनी तेज स्पीड में हम नीचे गिर रहे हैं, भाई साहब यार मतलब, तो आप कुछ नहीं कर सकते गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।